हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे बटरफ्लाई गांधी मती एप्लायंसेस लिमिटेड, जिसका शॉर्ट में बोला जाता है बटरफ्लाई। तो देखिए, ये शेयर आपका कल के डेट पे क्लोज हुआ था 1369.45, मतलब लगभग 1370 पे क्लोज हुआ था। एंड कल के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 1399 एंड लो गया था 1308.90 पे। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का जबरदस्त रेटिंग दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है ₹2448.52 करोड़ एंड एनकैप इज वैल्यू है ₹2439.48 करोड़। पीई रेशियो है 55.2। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹28.33 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.13। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, एंड यहाँ पे 1 से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹37.36 करोड़। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 28.33 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 152.72। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे तो 1 से लगभग आपका 150 गुना ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। इस कंपनी का आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.42% एंड आरओसीई है 21.41%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ हुआ है 28.13% एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 808.72%, जो कि मेरे हिसाब से एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 64.78%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, एंड यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 64.78% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। अभी मैंने स्क्रीन पे और एक पेज ओपन कर लिया, तो देखिए ये कंपनी है बटरफ्लाई। तो इस कंपनी में 2021 दिसंबर तक जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर डॉली राजीव खन्ना सैन ने 35.17 करोड़ का होल्डिंग करके रखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का टेक्निकल चार्ट पे और वहां पर जाके इसका टेक्निकल एनालिसिस भी एक बार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आपका 2021 अप्रैल का महीना था, इस टाइम पे इस शेयर का प्राइस चला था 520 के करीब, और अभी कितना चल रहा है देखिए 1370 लगभग। मतलब आपका 10 महीने के अंदर इस शेयर ने डबल से भी, मतलब 2.5 गुना रिटर्न लगभग दे चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। एंड ये शेयर क्लियरली हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक अपट्रेंड में भी दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में एंड वहां पर जाके एक बार देख लेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर हम लोगों को इस शेयर के बारे में डेली चार्ट में क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका था 4 फरवरी 2022 का डे, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाई सिग्नल भी दिया था। तब से शेयर देखिए लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है, एवं कल का डे पे भी देखिए मार्केट जहां पे सेंसेक्स गिरा 730 एंड निफ्टी गिरा आपका लगभग 230, तब भी आपका इस शेयर ने पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से शेयर अभी आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। RSI भी अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब ओवरऑल डेली चार्ट में क्लियरली हम लोगों के यहाँ पे बुलिश साइन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका टाइम था 2020 सितंबर का महीना, उस टाइम पे इस शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग 370-375 इस रेंज में, ठीक है। और अभी कितना चल रहा है आपका
1370, मतलब आपका 2020 मई का, आपका सितंबर का महीना से अभी तक के टाइम में इस शेयर ने लगभग आपका 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। और यहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अप ट्रेंड दिखेगा, क्योंकि ये शेयर हर एक वीक में बढ़ते जा रहा है। तो देखिए अभी जो कायम वीक खत्म हुआ, उस वीक में भी हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया, जो कि टेक्निकली बहुत ही अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर अभी आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। RSI भी अबव 60 है, एंड MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, एंड लास्ट कैंडल भी MACD का आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म हुआ है। मतलब क्या, ओवरऑल वीकली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन ही मिल रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। ये आपका था 2020 अगस्त का महीना, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर अप ट्रेंड में है। हाँ, पिछले महीने में मतलब जनवरी के महीने में हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन ये शेयर जितना भी गिरा सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के नीचे जा नहीं सके, एंड इस महीने में फिर से हम लोगों को यहाँ पे सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे सपोर्ट लेते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। RSI भी देखिए अबव 60 है, एंड मंथली चार्ट में MACD भी क्लियरली 0 पॉइंट से ऊपर लगातार पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1370, अगर इसी रेंज में इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 5 से 6 महीने का है, तो मुझे जो लगता है कि 5 से 6 महीने के अंदर ये शेयर आपका 1800 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।